students, how are you? I think you will be fine. Okay students, today we are going to study about past indefinite tense. In our last video we had discussed about the old part of present indefinite tense. So today we are going towards past tense. First sub tense is past indefinite tense. What is past indefinite tense? This tense tells that verb happened in past, and it also shows that definite time of an action and habit someone in past. किसी की habit को या किसी definite time को जो क्रिया हो चुकी है उसको दिखाते हैं. जैसे example के तौर पर हम कह सकते हैं नेहरू डाइड इन 1964. अब verb क्या है? Die है. लेकिन died इसमें इसलिए क्योंकि यहाँ पर definite time को दिखाया गया है. ठीक है, आप देखिएगा he always carried an umbrella. तो carried हमने यहाँ पर fill किया, verb थी carry, तो हमने यहाँ carries क्यों नहीं किया? अब ये दोनों ही वर्ड यहाँ पर, दोनों ही वर्ब फॉर्म यहाँ बिल्कुल करेक्ट हैं. ही ऑलवेज कैरीज एन अम्ब्रेला, ही ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला. अब यहाँ पे अगर मैं इसको छुपा लूँ और अब फिल करने के लिए बोलूँ तो हो सकता है यहाँ पर कैरीज और कैरीड दोनों ही ठीक हों. ठीक है, तो इसकी मैं अंतर में ये बता देती हूँ कि इसकी जो फॉर्मेशन है, हो सकता है इससे पहले कोई वर्ड आया हो या सेंटेंस कोई ऐसा हो, जैसे वो हमेशा घूमने जाते थे तो यहाँ पर एक पहले वर्ड दे दी गई और पहले सेंटेंस आपको दे दिया गया उसके साथ. अगर नहीं दिया गया तो बोथ वर्ड्स फॉर्म यानी बोथ लैंग्वेज यानी बोथ फॉर्म्स आर करेक्ट है. यहाँ पर ऑलवेज कैरीज भी ठीक है और कैरी भी ठीक है. जब हम इंडेफिनेट टेंस को पढ़ते हैं किसकी पास्ट की हैबिट को शो करता है और प्रेजेंट में भी किसी की हैबिट को शो करता है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज़ करते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैरेट भी ठीक है और कैरेट तो हम यहाँ पर कैरेट भी लगा सकते हैं. अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. हम देखिएगा वर्ब की तीन फॉर्म पढ़ते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल ये पढ़ते हैं. ठीक है, प्रेजेंट में जैसे गो, वेंट, गॉन ऐसे पढ़ा जाता है. ठीक है, तो ये वर्ब भी हम यूज़ करते हैं लेकिन ये जो वर्ब होती है ये सिर्फ प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट की पॉजिटिव फॉर्म में, यहाँ पर देखिएगा पॉजिटिव जो फॉर्म है उसी में ही यूज़ होती है, कहीं पर यूज़ नहीं होती. ये पास्ट इंडेफिनेट की पॉजिटिव फॉर्म में यूज़ किया जाता है. जब हम नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं तो नेगेटिव की तरफ बढ़ते हुए हम इस फॉर्म को सिंपल फॉर्म यानी फिर हम प्रेजेंट फॉर्म में चले जाते हैं. इसकी प्रेजेंट फॉर्म तो होता नहीं लेकिन ये डिड फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो जाती है, सेकंड फॉर्म हम यहाँ यूज़ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी स्ट्रक्चर पॉजिटिव में क्या बनती है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट. अब देखिए मोहन वेंट टू आगरा, मोहन आगरा गया. ही रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा. माई फादर मेट मी यस्टरडे, मेरे पिताजी मुझे कल मिले. तो यहाँ पर देखिएगा ये सारी सिचुएशन है जो ये टाइम पीरियड है तो यहाँ पर जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है ये, इसलिए हमें पास्ट इंडेफिनेट शो करता है. अब नेगेशन में क्या है? नेगेशन में के लिए हम सब्जेक्ट, डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अब डिड नॉट किसके साथ लगता है ये सिचुएशन हमें फिर से देखनी पड़ेगी. पास्ट इंडेफिनेट में यानी पास्ट की सिचुएशन में हम सभी के साथ हमारे सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ हमें छाटने नहीं पड़ेंगे. हमारे सभी सब्जेक्ट के साथ ही इसकी इट नेम थिंग सिंगुलर आई वी यू दे प्लूरल सब कुछ सभी के साथ हम डिड नॉट यूज़ करेंगे. क्लियर? और फिर यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट फॉर्म है ये जो हमारी सेकंड फॉर्म थी पॉजिटिव में, फिर से हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे ना कि सेकंड. सिर्फ सेकंड फॉर्म पॉजिटिव स्ट्रक्चर में और पास्ट इंडेफिनेट के सिर्फ पॉजिटिव स्ट्रक्चर में ही यूज़ करेंगे, नेगेटिव आते ही वो फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी. क्लियर? अब देखिए आई डिड नॉट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता. दे डिड नॉट बाय देयर बुक्स, उन्होंने अपनी पुस्तक नहीं खरीदी. ही डिड नॉट कम टू स्कूल, वो स्कूल नहीं आया. अब देखिएगा मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ. यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ सिमिलरिटी है. जैसे ही डिड नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आया, वह स्कूल नहीं आया है, इसका मतलब क्या है? क्रिया अभी अभी हुई है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ही डिड नॉट कम टू स्कूल, तो यहाँ पर आ जाएगा ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल, आया है, यहाँ पर हैज़ आ जाएगा. ये दिखाता है प्रेजेंट परफेक्ट को, प्रेजेंट परफेक्ट को. ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट
प्रेजेंट परफेक्ट, और ये पास्ट इंडेफिनेट को शो करता है। इसमें आ ए ई लास्ट में, जैसे उसने खाना नहीं खाया, उसने कपड़े धोए, वह गया, उस वह कूदा, उसने मुझे अपनी पुस्तक दी, आ ए ई आया। लेकिन आ यहाँ पर चुका है, चुके हैं, चुकी है, शो करता है, यानी हैज़ किसको शो करता, प्रेजेंट परफेक्ट को। ठीक है, इसमें ये डिफरेंस है। अब इंटरोगेटिव फॉर्म में क्या करते हैं, डिड हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। डिड की फॉर्मेशन मैंने बताई, अभी सभी सब्जेक्ट के साथ लगती है और सब्जेक्ट में कोई भी हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता, सभी के साथ होता है। डिड यू फॉलो अस, डिड शी ईट द फूड। अब यहाँ पे देखिएगा वही है, सिर्फ सेकेंड फॉर्म यहाँ यूज़ हुई है और कहीं पर भी यूज़ नहीं हुई है। तो इंटरोगेटिव फॉर्मेशन में हमने डिड पहले निकाल लिया, फिर हमारा सब्जेक्ट है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है। दूसरी सिचुएशन में हमारी जो डब्ल्यू एच फैमिली है उसके साथ हम डिड से पहले हम डब्ल्यू एच फैमिली लगाते हैं, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब देखिएगा यहाँ पर हम ये यूज़ कर रही हैं, डिड यू फॉलो अस, क्या आपने हमारा पीछा किया, अनुसरण किया। वाई अगर डब्ल्यू एच फैमिली है तो वाई यहाँ पर हम लगा सकते हैं, वाई डिड यू फॉलो अस। अब देखो व्हेन डिड यू फॉलो अस, हाउ डिड यू फॉलो अस, तो इस तरह से हमारी डब्ल्यू एच फैमिली यूज़ हो जाती है। और कारण इसमें काज होता है, इसमें हाँ या ना में आंसर आता है। ठीक है, डिड शी ईट द फूड, क्या उसने खाना खाया, यस और नो में आंसर होता है। लेकिन हाउ डिड शी ईट द फूड, वाई डिड शी ईट द फूड, तो इस तरह से जो सेंटेंस है वो डब्ल्यू एच फैमिली से थोड़ा अलग हटके बनते हैं। ठीक है, वाई डिड राहुल लाइक दिस पिक्चर, अब ये देखिए रीज़न के साथ यहाँ पर आंसर होता है। ये हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्मेशन है और स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया है। अब देखिए इसमें कुछ मैं एग्जांपल्स लेके आई हूँ, ठीक है, एक बार इसको रीड आउट कीजिए। आई रिकॉग्नाइज, देखिए मैं कुछ बीच में बताती रहूँगी कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में जो है कैसे यूज हो। आई रिकॉग्नाइज हिम बट ही, अब देखो नोट आया है, नोट रिकॉग्नाइज, नोट रिकॉग्नाइज में क्या होगा, तो नोट का मतलब, इसका मतलब हमने यहाँ पर डिड नोट यूज़ करना है, डिड नॉट रिकॉग्नाइज। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर नोट यू का यू लिख देते हैं तो इसका मतलब नेगेशन में हमारा आंसर, नेगेशन में नोट हम डिड के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, इसलिए हम डिड नॉट रिकॉग्नाइज, लेकिन हम ई डी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये डिड के साथ यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब ये सोचोगे कि पास्ट में फर्स्ट फॉर्म यूज़ क्यों की, क्योंकि ये डिड शो कर रहा है कि ये सेकंड फॉर्म है। क्लियर, व्हेन आई केम नियर हिम, जैसे मैं इसके नज़दीक आया, ही अगेन डैश मी फॉर मनी, तो ही अगेन, यहाँ पर देखिए दो कार्य अगर इकट्ठे हो रहे हों और फर्स्ट जो वर्क है वो पास्ट में है तो सेकंड वर्क तुरंत हम पास्ट में ही करेंगे। ही अगेन आस्क्ड मी, उसने मुझे दोबारा पैसे के लिए पूछा। क्लियर, ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड व्हेन सडनली ही डैश अ लेडी, ही मेट अ लेडी, जैसे ही वो द रोड के साथ साथ चल रहा था तो वो एक लेडी से मिला। तो देखो इसमें दो कार्य इकट्ठे हो रहे हैं और फर्स्ट वर्क जो है, फर्स्ट जो एक्शन है वो पास्ट में है तो सेकंड वर्क ऑब्वियसली पास्ट में होगा, तो उसको पास्ट इंडेफिनेट में हम यूज़ करते हैं। द पुलिसमैन डैश मी वेयर आई वॉज गोइंग, आस्क्ड मी, मुझसे पूछा। ठीक है, अगर एम यहाँ होता तो आस्क, यहाँ पे आस्क आता, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर फिर भी हम वॉज है तो हमारा जो टेंस है ये पास्ट इंडेफिनेट की तरफ इशारा करता है। आई डैश हिम दैट आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, आई वॉज गोइंग, देखो पास्ट की दोनों क्रिया साथ हो रही हैं, मैंने उसे बताया मैं दिल्ली जा रहा था, तो यहाँ पर टोल्ड आएगा, आई टोल्ड हिम। क्लियर, अब ये यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस है, ठीक है, और ये सेंटेंस एक डायरेक्ट स्पीच में है। डायरेक्ट स्पीच को पढ़ लेते हैं। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। द ओल्ड मैन, अब ब्रैकेट में हमारे पास वर्ब है से, तो द ओल्ड मैन सेड। क्लियर, ये रिपोर्टेड स्पीच में आ गया है, डायरेक्ट स्पीच। ही वुड पास इफ ही डैश हार्ड, अब देखिएगा ये वुड कुड, अगर इस तरह का वर्ड, क्योंकि ये पास्ट की हैबिट पास्ट में दिखाता है, कुड भी पास्ट में दिखाता है, यहाँ पर कुड होता है कुछ ऐसी सिचुएशन जिसमें कुड यूज़ होता, तो और इफ़ होता, इफ़ और सेकंड फॉर्म होती, यानी कुड होता और इफ़ होता, तो हम यहाँ तुरंत हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, यदि उसने मेहनत की होती तो पास्ट हो गया होता, तो पास्ट में ही ये प्रेजेंट में नहीं दिखा गया।
ठीक है, ही वुड पास इफ ही वर्क हार्ड, यदि उसने मेहनत की होती तो वो पास हो गया होता, ठीक है। अब एक और बात में यहाँ पर एक और रूल यहाँ पर है, नाइदर, नाइदर है, एंड है, बिकॉज है, अगर ये चीज़ आ गई है और उससे पहले हमारी सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, यानी उसके साथ सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है एक कार्य के साथ, तो तुरंत हम दूसरी फॉर्म भी सेकंड ही लगाएंगे। नाइदर ही केम नोर सेंट एनी मैसेज, ना तो वो आया ना उसने कोई मैसेज किया। तो यहाँ पर देखिए नाइदर, ठीक है, बिकॉज एंड, ये सारे वर्ड जो हैं अगर इसमें फर्स्ट वर्क जो है सेकंड फॉर्म को दिखा रहा है, यानी सेकंड या पास्ट को दिखा रहा है, तो सेकंड वर्क भी यानी सेकंड एक्शन भी हम पास्ट टेंस में करेंगे। अब ये मैंने खुद ही फिल कर दिया यहाँ पर, आई डैश दैट टू बॉयज आर फाइटिंग, मैंने देखा दो लड़के लड़ रहे थे, इसका मतलब आई सा, मैंने देखा, ठीक है। आई डैश दिस ड्रेस फ्रॉम कानपुर बाय, ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, मैंने ये बुक, ये जो ड्रेस है कानपुर से खरीदी, तो बोट आएगा, BOUGHT, क्लियर। तो मैंने कुछ एग्जांपल आपके साथ रखे हैं, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन।